हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं गुरुदत्त नाम के एक पॉपुलर होटल में। हम आए हैं करवे नगर में। यहां पे कई सालों से ये एक पॉपुलर होटल है। ये होटल चला रहे हैं मिस्टर सतीश पुजारी सर। तो दोस्तों आज हम सर से होटल बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे ये बिजनेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ती है, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर हमारे कुछ व्यूअर्स होटल शुरू करना चाहते हैं, तो होटल बिजनेस के बारे में हम आपसे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, ठीक है सर? थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में लेना चाहेंगे, आप कब से ये बिजनेस कर रहे हैं? ये मैं 1988 से। और सर अभी आपका ये जो होटल है, आपने यहाँ पे मतलब क्या क्या रखा है? सिर्फ खाना रखा है या नाश्ता रखा है? स्टार्ट में वड़ा पाव भाजी पाव। अच्छा। उसके बाद एक एक बढ़ते बढ़ते गए, दाल राइस रखा, चपाती भाजी रखा, उसके बाद राइस प्लेट चालू किया, डोसा चालू किया। अभी पूरे साउथ इंडियन है, पंजाबी, चाइनीज है, सब कुछ रखा है। सब कुछ रखा। सर अगर हमारे देश का एक लड़का अगर कोई नया होटल का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो इस शुरू में सिर्फ नाश्ते का करना चाहिए या नाश्ता खाना दोनों रखना चाहिए? दोनों किया तो अच्छे ही। दोनों किया तो अच्छे। जैसा अपना ये माहौल कैसे है वो हिसाब से चलने का। अगर कोई कोई वड़ा पाव सेंटर ही डालते हैं उसमें भी बहुत फायदा रहता है, और आदमी कम ही, पगार कम जाते हैं, भाड़ा कम जाता है। बड़े बड़े होटल बोले तो उतने भाड़ा भी देना पड़ता है, भाड़ा भी जाना, और प्लस इंटर ही नहीं, उसके बाद तुम्हारा डिपॉजिट है, वो चला तो चला, नहीं चला तो क्या कर सकते। इससे छोटे से बड़ा करते जाओ वो अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। हाँ, छोटे से बड़ा बड़ा करते रहने। अभी आपका ये जो होटल है इसका टाइमिंग क्या है, जैसे आप कब से? टाइमिंग सुबह 7 बजे खुलता है, अभी तो 11 बजे बंद करता है। अच्छा, तो सुबह 7 से रात को 11 बजे। को 11 बजे बीच में कोई छुट्टी नहीं? नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू चालू, कंटिन्यू चालू। दो शिफ्ट रहता है ना हमारा, दो शिफ्ट। तो पहला शिफ्ट कब चालू होता है उनका? हमारा वो 7 बजे थे, सुबह 7 बजे। 7 बजे कट ड्यूटी रहते हैं, 7 बजे से वो 12 बजे छुट्टी में जाएगा, 7 बजे आएगा, 7 बजे से 11 बजे तक। अच्छा, तो 12 से 7 उनको उनको गैप रहता है। कामगार सुबह कम रहते हैं, सुबह कामगार कम। और जो अपना खाने का चालू हो गया जब 3 बजे तक, वो जास्ती आदमी रखना पड़ता। सर अभी आपके पास होटल में नाश्ते में क्या क्या वैरायटी आपने रखी है? नाश्ते में सुबह स्टार्ट में कांदा पोहा शुरू होते हैं, कांदा पोहा के बाद उपीड़ बनते हैं, शीरा बनते हैं, शीरा बनने के बाद इडली सांभर होते हैं, इडली सांभर के बाद उड़ी दौड़े होते हैं, उड़ी दौड़े के बाद बटाटा वोटे स्टार्ट होते हैं, मिसल पाव, वो नाश्ता 11 बजे तक चलते हैं, 11 के बाद वो कम होते हैं, फिर राइस प्लेट का आता है, राइस प्लेट, राइस प्लेट, पंजाबी, पंजाबी थाली, अमका तमका सब चालू होते हैं, चालू रहे। सर अगर कोई हमारे देश का नौजवान होटल शुरू करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या लाइसेंसेस वगैरह लगते हैं? लाइसेंस अपना सॉफ्टवेयर लाइसेंस है मेन, और फूड लाइसेंस, फूड लाइसेंस। पहले था पुलिस लाइसेंस था, वो टाइम तो बहुत तकलीफ देता था पुलिस लोग। अब वो रद्द हो गए ना, जरा सुखी है हम, सुखी है। इसको कितना खर्चा था लाइसेंस को? उसको इतना नहीं, 1500-2000 का, 1500-2000। तो लाइसेंस का ज़्यादा खर्चा नहीं आता, इन्वेस्टमेंट जाती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। सर कोई अगर जैसे आपने कहा नाश्ते का होटल शुरू करना चाहता है किराए की दुकान लेके, तो सर कितना बड़ा होटल होना चाहिए? किराए बोले तो कम से कम 150 स्क्वायर फुट का भी चलते हैं, उसमें अपन छोटा सा स्नैक सेंटर चालू करके उसमें धंधा जैसे बढ़ता है ऐसे वो फिर आगे बढ़ सकते हैं ना, कुछ भी कर। बराबर, 150 स्क्वायर फुट से शुरुआत। हमारा भी उतना ही था पहले, पहले छोटा ही था, हमारा भी छोटा ही था, 4 टेबल थे, 4 टेबल, सिर्फ 4 टेबल, 4 टेबल में आज 35 टेबल हो गए, अभी 35 टेबल। बराबर। और अगर आज के तारीख में अगर कोई जैसे एक अच्छा जगह मिलता है 150-200 स्क्वायर फुट में, तो कितना किराया होना चाहिए सर अगर नाश्ते का करना है? वो एरिया ही सब रहते हैं, एरिया कैसे पब्लिक जाती रहे तो 15-20 हज़ार मांगते हैं, कोई 10 हज़ार भी मांगते, कोई कोई 30 हज़ार भी मांगते हैं। बराबर, वो अपने इसमें रहते हैं, अपने इधर कितना धंधा कर सकते। तो अगर अच्छा जगह है तो 15-20 हज़ार, 15-20 हज़ार आराम से, आराम से। अभी आपका भी ये किराए का ही होटल है? ये किराए 32 साल हो गया, आप किराए नहीं चला? बराबर, 32 साल बोले, स्टार्ट में हमको 1200, अभी 45,000 देते, अभी 45,000 भाड़ा है। सर अगर कोई होटल शुरू करना चाहते हैं आपके जैसा, जैसे नाश्ता और खाना, तो लगभग कम से कम कितना लोगों का स्टाफ चाहिए काम करने वाला? स्टाफ अभी देखो, अभी समझे छोटा होटल रहे तो 4-5 आदमी का होते, और एक 8-10 टेबल रहे तो कम से कम 12 लोग चाहिए ऐसे, और धंधा कैसे बढ़ गया उतना कामगार जास्ती चाहिए।
धंधा बढ़ गए तो काम कर जाते, धंधा कम हो गए तो काम कर कम हो। शुरू में चार पांच स्टाफ, चार पांच आदमी भी बहुत होते, मतलब खाना और नाश्ता दोनों। अभी आपने 25 टेबल है यहाँ पे, आपने कितने लोगों का स्टाफ रखा है? हमारा अच्छा अभी 12 लोग है। और लगभग इनको सैलरी कितना देना पड़ता है? जैसे उससे कम आपको अभी का कंडीशन में 7,500 बच्चे लोग, हेल्पर जो रहते हैं उसको 7,500, वेटर है 9-10 हजार और आचार्य 15,000 कम से कम। आचार्य 15,000 से कम नहीं आते, 15,000 से कम नहीं। मोरी वाला 8,000, मोरी वाला 8,000 और इनका रहना वगैरह से? रहना सब सब अपन देखने का, तो रहना छोड़ के खाना छोड़ के पूरा पूरा उनका सब देखने का, दवा पानी का तमका और पगार अलग से, पगार अलग से। सर हमारे देश का कोई लड़का ये होटल का बिजनेस करना चाहता है तो काम सीखने के लिए, ताकि नुकसान ना हो, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए, कम से कम कितने दिन का एक्सपीरियंस लेना चाहिए? कम से कम 1 साल का तो चाहिए। 1 साल का वो ऐसे जो हम भी जो आया, हम जो होटल में काम को आया, हमने क्या मालूम कुछ नहीं ना। पहले डालते हैं मोरी में, उसके बाद उठाते हैं कोपसी में, उसके बाद वेटर बनता है। वेटर बनने बाद अच्छा रहेगा तो मालक क्या करते हैं, कैश काउंटर में बिठाते हैं, वो जब भी उसको सब कुछ समझता है उसके बाद वो सेट बनता है। बराबर, एकदम जाके सेट नहीं बन सकता। जैसे किसी के पास पैसे है और बिजनेस चालू करना है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम। अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो भी चलते हैं, दूसरा कोई साथीदार उसका, उसको मालूम रहे तो वो भी आगे लेके जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। अभी समझो तुमको इच्छा है कि हमको एक धंधा करने का, आपको कुछ मालूम ही नहीं, तुम्हारे एक दोस्त रहते हैं वो किधर, तो एक आचार्य रहते हैं होटल में, थोड़ा बहुत जानकारी रहता है उसको, अब उसको बोले तो वो बोलेगा अरे मैं है तू पैसा डाल। अगर तुम उसके साथ बाद में सीखते सीखते तुम आगे जाता है, वो आपको छोड़ता नहीं बाद में, बराबर ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते। तो यहाँ पे कोई कोई लोग ऐसे करते हैं, इतने एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं। अगर कोई हमारे देश का नौजवान अगर होटल शुरू करना चाहता है तो उसमें किचन इक्विपमेंट हो गया, टेबल कुर्सी, लगभग सर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ऊपर जाता है, 5 लाख जाते हैं, 10 लाख जाते हैं, जैसे बड़ा होता है उतना इन्वेस्टमेंट जाते होते हैं। 1 लाख से लेके लगभग 5 लाख रुपए, 5 लाख तक होते हैं होटल, जैसा बड़ा रहेगा उस हिसाब से। ऐसे बड़ा रहेगा तो 30-30 लाख भी देते हैं। ये किचन का जो सामान होता है, किचन इक्विपमेंट, उसमें लगभग कितना पैसा लगता है? उसमें अपने कम से कम 2 लाख लगता है। 2 लाख मतलब पूरा खाने का और नाश्ते का करने का रहेगा, और बाकी टेबल कुर्सी वगैरह उसमें 2 लाख और ये लगभग 3 लाख, 5 लाख में हो जाता है। सर होटल के बिजनेस में लगभग कितना प्रॉफिट मिलता है? प्रॉफिट बोले तो कैसे बोलेंगे, अभी आपको एक भाड़ा है समझो, दिन में एक 500 रुपये भाड़ा है, वो भाड़ा निकलने का, 4 कामगार निकलने का, वो हिसाब से अपन धंधा कितना होता है देखने का, धंधा देखा ना उसमें मालूम पड़ता है अपनी मार्जिन कितने, जितना रेट जास्ती रखा उतना प्रॉफिट रहता, जितना रेट कम रखा उतना प्रॉफिट कम होते हैं। प्रॉफिट कम ऐसे कोई 30% रहते हैं, कोई 50%, सब जाके कोई लोग 30% में, सब जाके 10,000 का धंधा है तो 3,000 में, कोई कोई को 1,500 में, कोई कोई को 4,000 में मिलता है, वो जैसा अपन रेट रखा उसके ऊपर। कस्टमर भी आने चाहिए, कस्टमर नहीं आया तो आप रेट रख के भी क्या बोलते, जैसा कस्टमर चला ऐसा आपका प्रॉफिट है। तो ये 10,000 का धंधा होने के बाद वेटर का पगार, दुकान का भाड़ा जाके 3,000 रुपये बच, सब मिलना ही चाहिए। 10 का 15,000 धंधा हो गया ना, आपको नेट 5,000 रुपये मिलते, आदमी उतना, पगार उतना, तुम्हारा भाड़ा उतना, लाइट बिल उतना, उतने आते हैं धंधा बोले तो कैसा कस्टमर आते हैं, उसको रिक्वेस्ट करना अपना काम है, आओ बैठो, हाय पानी पानी दिलाओ, नहीं तो खुद पानी दो, पटका मारो, जब भी उनको भी लगता है अरे ये कुछ काम करते हैं तो ये कितना अच्छा आदमी रहेगा, वो कस्टमर तुरता नहीं, वो रिटर्न आते हैं, चलो उधर ही जाएगा, उसको स्वभाव बहुत भारी। अगर आखट के बात किया तो कोई आता भी नहीं, आज का कंडीशन ऐसे ही गली गली में होटल है, पहले ऐसा नहीं था ना, अभी अपनी गरज है अपन कस्टमर छोड़ने का ही नहीं, अच्छे से बात करो, उसको जो मनते हैं वो दो, कुछ जरा वो अच्छा नहीं बोले तो उसको लेके जगह उसके सामने फेंक दो, फिर नया अच्छा गरम गरम बना के लाओ, वो कस्टमर टूटता नहीं, जैसे टूटता नहीं वो दूसरे को बोलता है अरे एक बार उधर जाके उधर का सर्विस देखो, वो कैसे करता है देखो, वो हमारे ऐसा ही, हम ऐसा करते हैं, रिलेशन अच्छा बना, रिलेशन बना कस्टमर से, जितना रिलेशन बने उतना कस्टमर आते हैं। तो ये जैसे आचार्य छोड़ के जाता है दूसरा आता है तो क्या धंधे पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, वो अपने ऊपर रहते हैं, क्योंकि टेस्ट भी थोड़ा बदलता रहेगा, समझा के बोल लेगा ऐसा नहीं ऐसा करो, फिर कुछ नहीं होता।
हमारा तो सवाल ही नहीं आता, हम तो 22 साल से 23 साल हो गए, 25 चालू किया, जब से वो एक ही अच्छा एक ही अच्छा। और सर इस बिजनेस में कोई ऑफ सीजन वगैरह आता है जिसमें धंधा आता है ना? कब कब रहता है? कभी कभी आते हैं, बारिश आया तो जरा डाउन, बारिश में थोड़ा डाउन, और कभी रहता है दिवाली के बाद। दिवाली में पूरा पब्लिक बाहर जाता है, कभी बहुत कम आता है धंधा। और इसमें जो सब्जी या फिर ये ग्रोसरी का सामान, किराने का सामान, ये अपने को जाके लाना पड़ता है या जगह? नहीं नहीं, जाके लाए तो बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा। अभी अपन मार्केट में जाने का अपने भी मन समाधान होता है, अपन क्या लेते हैं क्या नहीं। जो लाके डालने वाला कुछ भी लाके डालते हैं, अपन खुद किराना दुकान में जाने का कुछ नहीं का रेट क्या है, उधर जरा कम जाते हो तो दूसरा दुकान में जाने में। अभी आप क्या करते हैं? जो हम खुद जाते हैं। आप खुद जाते हैं? अभी भी किराना भी खुद लेके आते हैं? हम जाते हैं, नहीं तो ये जाता है, हमारा मैनेजर जाता है, लड़का जाता है मेरा। और कितने दिन का स्टॉक करना पड़ता है सब्जी का? नहीं, किराना का पूरा एक हफ्ते का हम लोग करते हैं, नहीं तो कोई कोई लोग महीना का भी करते हैं। सब्जी हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता है, 2 बार लाना, एक रविवार और एक गुरुवार, 2 टाइम जाना ही बोलते। सर अगर किसी होटल का लगभग 25,000 रुपये भाड़ा है और 5 लोग उसके पास काम कर रहे हैं, तो सर खर्चा निकालने के लिए, भाड़ा निकालने के लिए, पगार निकालने के लिए कितना धंधा होना चाहिए? कम से कम 15,000 रोज का। अभी समझो 15,000 के धंधे के लिए 6,000 का मटेरियल पको, एक 3,000 रुपये 3-4,000 रुपये वर्कर का लाइट बिल वो ये सब निकल के उसको 4-5,000 रुपये बचते। तीन हज़ार तो नक्की बस। सर होटल के बिजनेस में जैसे आपका नाश्ता थोड़ा बच गया या खाना बच गया तो उसका क्या करना पड़ता है? एक तो फेंकना पड़ता है, नहीं तो गरीब लोग आए तो ये वापस फ्रिज में रख के देने? नहीं 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 नहीं, कोई कोई देते नहीं, देने के लिए बचता भी नहीं, बचाता नहीं ना। हाँ, जितना बनता हम लोग उतने होते हैं, समझो बचा है तो शाम को कोई जाते हैं, हम लोग दे डाल ऐसा फ्रिज में रख के दूसरा? नहीं नहीं नहीं, खराब ही होता है वो, खराब है जैसी बोले तो बटाटा खाना ये रहते वो, और कोबरा जैसी टिकता नहीं, सुबह का दोपहर को खराब होते हैं कभी कभी। तो आप अभी पंजाबी वगैरह रखते हैं ये खाने का, तो ये ज्यादा मतलब ऐसा बचता नहीं? बचते ना, ग्रेवी बचते, वो कुछ नहीं गए, ग्रेवी को कुछ नहीं होता, ग्रेवी कम से कम कितना 18 घंटा कुछ नहीं होता, 18 घंटा बचा तो दूसरे दिन वहाँ पड़ता है, उसको फ्रिज में नहीं रखता है ना। हाँ, उसको गरम, वो गरम दिन भर गर्म नहीं रहता है। अच्छा, दिन भर गर्म? हाँ, इसमें रहते हो अपना सिगड़ी में, भट्टी में ही रहते हो? भट्टी में रहते हैं, उकलते ही रहते हैं 18 घंटा कुछ नहीं, कुछ नहीं, जितना लगता है उतना ही बनाना चाहिए, उतना ही बनाना चाहिए। तुम नुकसान का धंधा मत करो, अगर समझो राइस प्लेट का बाजी बच गया, बच्चे लोग भी काम कर रहे थे 10-12 वो लोग खाते हैं, ऐसे बिल्कुल धंधा नहीं रहेगा तो वो फेंकना है पड़ता। तो थोड़ा जो बचा हुआ वो अपने स्टाफ को खिलाने में, खिलाने में काम नहीं आता, और वो खाते, वो हम खुद खाते हैं, हम खुद खाते हैं, वो लोग भी खाते हैं, ऐसा नहीं। और इसमें छुट्टी वगैरह मिलता है कोई महीने का वगैरह? छुट्टी एक्चुअली हर हफ्ते में एक छुट्टी देना ही पड़ता है। आप देते हैं छुट्टी? देते हैं ना, आदमी रहेगा तो मैं देते हैं, दो दिन की छुट्टी देते हैं। एक एक बार अभी 3-3 महीने छुट्टी नहीं रहता है ना, अभी समझो बच्चे लोग बीमार गिरते हैं, उनका 4-4 5-5 छुट्टी होते हैं, तो वो अपन कट नहीं करते हैं ना, तो छुट्टी लिया तो फिर काम कौन करेगा? नहीं, वो दूसरों को ओवर टाइम देने का, ओवर टाइम देने का, ओटी देने का, 4-4 घंटा करते हैं वो लोग, डबल पैसे दिया तो अच्छा काम करते हैं। और सर कोई नया होटल शुरू करता है तो उसको सेट होने के लिए लगभग कितना वक्त लगेगा? नहीं, ऐसे बोल ही नहीं सकते, अंदाज वो दूसरे दिन ही कोई कोई लोगों को सेट हो जाए, नहीं तो 3 महीना तो लगता ही, तीन महीना लगता ही। समझो आउटसाइड में किया तो आदमी कैसा, एक आदमी को दूसरों को दायरे उधर जाओ, ऐसा बढ़ते 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 जाता है कस्टमर। अगर सिटी में गया किया तुमको ये टाइम देखने का गरज नहीं ना, कितने दिन में सेट होने को देखने का गरज है नहीं, लेकिन धंधा होता है सिटी में ले, वो जो धंधा हो गया उसको तुम कवर करते रहने का, उसको कैसा आप सर्विस देने का, क्या करने का। अभी समझो आज चालू किया, कल एकदम गिरा क्या था, तुम्हारा पूरा इधर उल्टा सुलटा होता है, माल रहते हैं नहीं रहते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करने का उसमें? वो गिरे कि क्या होते हैं, कस्टमर निकल जाते हैं, बाद में नहीं आते, वड़ा भजी वाला अलग है और साउथ इंडियन वाला अलग है और पंजाबी वाला अलग है, रोटी वाला अलग है, सब हमारे पास 5-5 आचार्य था, 5-5 आचार्य, एक आचार्य खाली छुट्टी देने के लिए रहता है, छुट्टी लेने के लिए। हाँ, समझो कोई कोई 3-3 4-4 दिन नहीं आता, वो टाइम पे कोई तो चाहिए ना, उसका रास्ते देखिए अपना कस्टमर खराब होएगा ना, इसलिए एक एक्स्ट्रा रखना ही पड़ता, एक एक्स्ट्रा आचार्य रखना पड़ता।
सर, अगर कोई नया होटल शुरू करना चाहता है तो एक अच्छा लोकेशन कौन सा रहेगा? अच्छा लोकेशन बोले तो ये कॉलेज, गैरेज, ऑफिस, आईटी पार्क वो रहेगा तो अच्छा लोकेशन रहता है, अच्छा धंधा होता है। सर, एक नया होटल शुरू करता है और अच्छा चलता है तो कितना पैसा इसमें मिल सकता है एक महीने में, अगर अच्छा चलने के बाद? अच्छा चलने वाले तो कितना चलता है उसके ऊपर रहता है ना। फिर भी लाख रुपये आपको महीने का, लाख अच्छे चले तो लाख दो लाख रुपए भी मिलते हैं आराम से। मिलता है, हाँ मिलता है ना, इसलिए इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। सर, हमारे जो नौजवान ये जो होटल शुरू करना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं करो ना, करके देखो तुम लोग, है कि नहीं? तुम लोग पीछे मत हटो, जो करने के करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा करके करो, हाँ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, ऐसा एकदम बड़ा होने के लिए मत जाओ। बड़ा होने के लिए उतने जगह चाहिए अपना बाप दादा का स्टेट, वो रहेगा तो आगे बढ़ सकते हो। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सर के लिए थैंक्स कीजिए, सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी आपको, सर को इतना एक्सपीरियंस है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।